तो हे गाइस, मेरा नाम है मनीष कुमार एंड यू आर वाचिंग मी एंड माय यूट्यूब चैनल। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू ट्रेन आवर लेग्स। तो इस वीडियो में हम लोग सारे लेग्स के वर्कआउट करने वाले हैं, सारे लेग्स के मसल को टारगेट करेंगे। और जैसा कि मुझे पता है कि काफ़ी सारे बंदों को लेग्स की वर्कआउट करना नहीं पसंद है, तो मैं बताऊँगा कि लेग्स के वर्कआउट करने से क्या क्या फ़ायदे हैं आपको मिलेगी। और मैं वीडियो के बीच में कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगा जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो एंड तक देखें, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं है। और लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट करने से पहले आप लोग स्ट्रेचिंग और वार्म अप ज़रूर करें। और जैसा कि मैं हर वीडियो के स्टार्ट में बोलता हूँ, और अगर आप लोगों ने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से आप देख सकते हो कि मैं इस लॉकडाउन में भी घर पर रह के कैसे अपने बॉडी फिजिक को मेंटेन कर रहा हूँ। स्ट्रेचिंग करने के बाद आप लोग सबसे पहले जो पहला सेट परफॉर्म करेंगे, तो उस सेट का फ्री वेट से करेंगे, इट मीन्स बिना वेट के। उस सेट को आपको बिना वेट से परफॉर्म करना है ताकि जिस मसल को आप ट्रेन कर रहे हैं वो थोड़ा सा हीट हो जाए। उसके बाद अगर आप वेट से परफॉर्म करेंगे तो आपको ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा उस मसल पे, तो वो ज़्यादा पम्प करेगा। तो मेरा यहाँ पहला सेट होने वाला है स्क्वाट, तो मैं इसे बिना वेट्स के परफॉर्म करूँगा। इस सेट में आप लोगों को ज़्यादा नीचे नहीं बैठना है, जितना नी बेंड हो सके उतना ही बैठना, वरना डिसबैलेंस हो जाओगे। और जिम में काफ़ी सारे बंदे वेट्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं, तो मैं उन्हें बताऊंगा कि वेट्स पे फोकस ना करके अपने पोस्चर पे फोकस करें, क्योंकि उससे ज़्यादा मसल पे इफेक्ट पड़ता है। अगर ज़्यादा वेट्स लोगे, अगर डिसबैलेंस हो गया तो आपको आप इंजर्ड हो जाओगे, इसलिए वेट्स पे फोकस ना करके आप पोस्चर पे फोकस करें। सो लेट्स परफॉर्म आवर फर्स्ट एक्सरसाइज बारबेल स्क्वाट। तो ये एक्सरसाइज परफॉर्म करने टाइम ये ध्यान रखिए जो लेग्स की जो डिस्टेंस होगी आप लोगों की वो शोल्डर लेंथ जितना ही हो, और फीट हल्का से आउट की तरफ हो। और जब आप वेट्स लेके नीचे बैठो तो ब्रीथ इन करो, और उठो तो ब्रीथ आउट करो, और चेस्ट हमेशा टाइट रहेगा इसमें। सो इस वर्कआउट को परफॉर्म करने टाइम ये ध्यान रखें कि जो आपका नीज बेंट हो वो 90 डिग्री ही बेंट हो, इट मीन्स ग्राउंड लेवल के पैरल। उससे ज़्यादा डीप बैठोगे तो आप इनबैलेंस भी हो सकते हो। तो अगर नीज प्रॉपर नहीं बेंड करोगे तो जिस मसल को आप ट्रेन करना चाहते हो वो पार्ट एक्टिव नहीं होगा, और उसके जगह पे कोई और मसल पार्ट एक्टिव हो जाएगा। तो ये ध्यान में रखें कि नीज प्रॉपर बेंड करें। तो इस वर्कआउट के आप लोगों को 4 सेट करने हैं जो कि 12 के रेपिटेशंस होंगे। हम लोग की नेक्स्ट एक्सरसाइज है लंजेस। तो इसे काफ़ी सारे बंदे लंजेस बोलते, तो ये लंजेस नहीं है, लंजेस है। और ये वर्कआउट कोई ज़्यादा टफ नहीं है, इसे बिगनर्स भी परफॉर्म कर सकते हैं, और आपको बेस्ट है इनर थाइस के लिए। तो इस पे सिंपल क्या करना है, आपको एक लेग आगे रखना है और एक लेग नॉर्मल स्टेप से थोड़ा पीछे, और जो पीछे वाला लेग है उसकी नीज से ज़मीन को टच करना, टच नहीं करना है, हल्का सा ऊपर ही रखना है। और ये ध्यान रखिए कि जो फ्रंट लेग है उसकी नीज ज़्यादा बेंड ना हो, और वो 90 डिग्री तक ही बेंड करें। वो इस वर्कआउट में भी आप लोग 4 के सेट रखेंगे और 12 के रेपिटेशंस रखेंगे। तो कि नेक्स्ट वर्कआउट होने वाली है फ्रंट स्क्वाट। ये भी सेम बारबेल स्क्वाट्स के जैसा, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें। और ये हम लोग ये भी हम लोगों के क्वाड्स को ट्रेन करता है, और ये वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है लेग्स की। वर्कआउट के भी हम लोग 4 सेट करेंगे और हर सेट 12 के रेपिटेशंस होंगे। एंड लेग को ट्रेन करना इम्पॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि अगर आप लोग लेग्स को ट्रेन नहीं करते हो तो आप लोगों का अपर बॉडी स्ट्रांग नहीं होगा। जितना ज़्यादा आप लोगों का लोअर बॉडी स्ट्रांग होगा उतना ही ज़्यादा आप लोगों का अपर बॉडी स्ट्रांग होगा ऑटोमेटिक, इसीलिए आप लोग लेग्स को ट्रेन करें अच्छे से। सो आवर नेक्स्ट वर्कआउट इज स्टिफ डेडलिफ्ट। तो
ये भी वन ऑफ द बेस्ट वर्कआउट है लेग्स के लिए, जो आप लोगों के हैमस्ट्रिंग को ट्रेन करता है और लेग्स को एक प्रॉपर शेप देता है, और इससे आपका लेग्स और भी ज़्यादा बड़ा दिखता है। तो जिम रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो या फिर वर्कआउट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, और बताएं वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। तो ये हम लोगों की लास्ट वर्कआउट होने वाली है, जो कि है काफ स्ट्रेचेस। तो हम लोग अपर लेग को तो ट्रेन कर लिया, इट्स टाइम फॉर लोअर लेग। तो इस वर्कआउट से हम लोग अपने काफ को ट्रेन करते हैं। इस वर्कआउट के हम लोग 4 सेट्स लगाएंगे और हर सेट 12 के रेपिटेशंस होंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।